देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन के, जिसमें डिस्पर्जन तो नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन बोला है, जिसमें डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए लेकिन उसका डेविएशन होना चाहिए। इसमें बोला है विक्षेपण रहित विचलन। विक्षेपण रहित विचलन मतलब विक्षेपण नहीं होगा लेकिन उसका विचलन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो प्रिज्म लेते हैं, एक लिया जाता है क्राउन ग्लास का, एक लिया जाता है क्राउन ग्लास का और एक लिया जाता है फ्लिंट का। तो क्राउन जो होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और जो फ्लिंट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो इसमें दो प्रिज्म लेंगे जो मैंने होते हैं क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के, और दोनों को इस तरह से रखा जाता है या इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनके जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। देखिए, जैसे एक प्रिज्म लिया हमने ये वाला जो बना है क्राउन का, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म लिया कितना ए, वैसे एक और प्रिज्म लिया हमने वो बना है फ्लिंट का, और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना ए डैश है। वही देखिए, ए और ए डैश जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में दो प्रिज्म को लिया जाता है जो बने होते हैं क्राउन और फ्लिंट ग्लास के, उनके जो एंगल ऑफ प्रिज्म होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रखे होते हैं, और इन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है कि लाइट का डेविएशन तो हो लेकिन उनका डिस्पर्जन ना हो। तो हमने यहाँ पर वही बात करी है कि दो प्रिज्म है, एक बना है क्राउन का एक बना है फ्लिंट का। जो क्राउन ग्लास है उसके लिए उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, जबकि फ्लिंट के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए डैश है, और दोनों इस तरह से लिए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं। साथ ही माना है कि यहाँ पर जो लाइट है उसका जो डेविएशन होगा, तो यहाँ पर जो ये बना रेड और ये बना कितना वायलेट, ये रेड ये बना कितना वायलेट, इस तरह से होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले हमें डेविएशन भी निकालना होगा और इसका डिस्पर्जन भी निकालना होगा। तो पहले हम इसका निकालेंगे डिस्पर्जन। तो जब हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करें, पहले हम सॉल्व करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, और जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा हम उसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसके लिए मान लेते हैं कि जो कलर है हमारा रेड और वायलेट है, और जो रेड है उसके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू आर है, जबकि वायलेट जो है उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो म्यू बी दिया हुआ है। साथ ही जो रेड कलर है उसके लिए हमने मान लिया कि जो डेविएशन है वो कितना डेल वी डेल आर है, जबकि इसके लिए मान लेते हैं कितना डेल बी दिया है। साथ ही इसके लिए हमने माना कि जो इसका इसके लिए हम मान लें कि इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो तो हमने कितना एक का ले लिया है ए, और एक का ले लिया हमने कितना ए डैश ले लिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे फोर क्राउन ग्लास। तो हमने क्राउन ग्लास के लिए जो माना है उसके लिए हमने इस तरह से माना है, ये हमने सपोज करा है किसके लिए क्राउन के लिए, कि जो क्राउन ग्लास है उसके लिए क्राउन ग्लास के लिए हमने रेड कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया है कितना म्यू आर, जबकि उसका डेविएशन मान लिया है कितना डेल आर, और हमने वायलेट के लिए मान लिया है उसका जो हमने वायलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सपोज करा है कितना म्यू वी, और इसके लिए सपोज करा कितना डेल वी सपोज करा। साथ ही इसका जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा वो कितना थीटा होगा। वैसे ही दोस्तों, हमें सपोज करना पड़ता है किसके फ्लिंट के लिए, तो फ्लिंट के लिए रेड और वायलेट दोनों के लिए लेंगे, तो इसके लिए अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे तो उसे हम म्यू डैश आर बोलिए, और इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो उसे हम डेल डैश आर बोल देते हैं। साथ ही वायलेट के लिए निकालेंगे तो उसे हम म्यू डैश वी कहें, और इसे हम कहेंगे कितना डेल डैश वी बोल देते हैं। कि भाई अगर हम क्राउन ग्लास के लिए करेंगे तो उसे हम सिंपल फॉर्म में लेंगे, ताकि जब हम फ्लिंट के लिए बात करेंगे तो फ्लिंट के लिए जब बात करेंगे तो उसे हम डैश के फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो कितना थीटा डैश हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं वी नो दैट इसका एंगुलर प्रिज्म ए है और इसका एंगुलर प्रिज्म कितना ए डैश है। वी नो दैट बाय एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर और डिस्पर्जन कोणीय विक्षेपण से, कि भाई थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए बनेगा। तो एक बार हम निकालेंगे किसके लिए क्राउन के लिए, तो हम निकाल रहे हैं पहले क्राउन और क्राउन ग्लास हम निकालें क्राउन के लिए। जब क्राउन के लिए निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू वही बनेगा म्यू बी माइनस म्यू आर और इंटू ए बना, तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर वैसे सॉल्व करेंगे हम किसके लिए फ्लिंट के लिए,
तो जब हम फ्लिंट के लिए सॉल्व करेंगे तो फ्लिंट ग्लास का अगर हम सॉल्व करें तो कितना थीटा डैश आएगा, तो थीटा डैश आएगा ये कितना म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर और ये ए डैश बन जाएगा, जो इक्वेशन कौन सी सेकंड आ रही है। देख लीजिए इसी तरह का टर्म बना कि भाई अगर हम निकालेंगे क्राउन ग्लास के लिए निकालेंगे, क्राउन ग्लास के लिए निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा कितना म्यू वी माइनस म्यू आर इंटो ए बना, जबकि जो फ्लिंट ग्लास होता है उसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा डैश आएगा, जो थीटा डैश आएगा वो कितना म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू में ए डैश बन जाएगा। अब दोस्तों यहां अगर हम देखें कि हम सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट एंगुलर और डिस्पर्जन निकालें, अगर हम रिजल्टेंट एंगुलर डिस्पर्जन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उसे हम मान लेते हैं कितना दोनों का सम आ जाएगा, कि जो रिजल्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह जाएगा कितना थीटा वन और प्लस का थीटा टू आएगा, ये थीटा प्लस थीटा डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थीटा लिया है और एक तो हमने कितना थीटा डैश लिया है, ऐसे लिया है ना कि भाई एक बार हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक बार क्राउन के लिए काम करना है, एक बार काम करना है फ्लिंट के लिए, तो पहले जो नहीं होता है उसको सॉल्व करते हैं। यह मुझे विदाउट डिस्पर्सन बोला है, विदाउट डिस्पर्सन बोला है मतलब विचलन तो हो रहा है पर विक्षेपण नहीं होगा, तो पहले हम विक्षेपण की ही बात करेंगे। तो विक्षेपण में हमने दो कलर लिए हैं रेड और वायलेट, तो पहले एक बार क्राउन के लिए बात करें तो क्राउन के लिए रेड का लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आर, जबकि उसका डेविएशन डेल आर और यहाँ पर उसका वॉयलेट के लिए म्यू आर म्यू बी और वो डेल बी होगा, क्योंकि यहाँ डैश के लिए फॉर्म बात होगी। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्राउन के लिए लगाया तो फॉर्मूला बना थीटा इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और वहीं प्लेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा थीटा डैश और ये बनेगा म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश बना। अब यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाला जो थीटा प्लस थीटा डैश है और जो रिजल्टेंट एंगुलर डिस्पर्सन है, जो रिजल्टेंट एंगुलर और डिस्पर्सन है वो तो हमेशा कितना जीरो होगा क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है, तो हो ही नहीं रहा है तो यहाँ बनेगा कितना थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब देखिए थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू जीरो, तो यहाँ थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बना, क्योंकि तो यहाँ म्यू वी माइनस म्यू आर और साथ में कितना ए डैश आ रहा है और यहाँ डैश का टर्म बनेगा और देख लीजिए इक्वल टू बना कितना जीरो हो जाएगा, इसी तरह का टर्म बनेगा। एक बार फिर समझिएगा थीटा की बात है, थीटा की बात है तो यहाँ बना है कितना म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बना, लेकिन प्लस का बन रहा है थीटा डैश और प्लस का बना है थीटा डैश जिसका फॉर्मूला बना है म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश बना। अब देखो यहाँ सॉल्व करा तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में कितना ए आ रहा है, यहाँ इसे इधर शिफ्ट करें तो माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर और इंटू में कितना ए डैश आ गया। भाई हमने क्या करा है, इस प्लस वाली वैल्यू को सेम रखा है, इस माइनस वाली वैल्यू को हमने उधर शिफ्ट कर दिया जो माइनस का हो गया। अब देखो ए को बिल्कुल सेम रखें, इसको अगर हम डिनोमेटर में लेके आएंगे तो यहाँ ए डैश बनेगा, यहाँ माइनस को सेम रखा, यहाँ म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू बी और माइनस में कितना म्यू आर आ जाएगा, ऐसे ही टर्म बनेगा। देख लो चेक करो कि अगर हम a अपॉन ए डैश की वैल्यू निकालें या a को सेम रखा, इस ए डैश को हमने नीचे लिया है, यहाँ बचा माइनस का म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर तो अपन में म्यू वाई माइनस म्यू आर बचा। अब इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन कौन से a पुट कर देते हैं, ये हमारा सॉल्व हुआ है एंगुलर डिस्पर्सन सॉल्व हुआ। अब दोस्तों ये तो हमने सॉल्व करा है एंगुलर डिस्पर्सन, लेकिन अब हम सॉल्व करना है डेविएशन, तो यहाँ सॉल्व करते हैं फोर डेविएशन। अगर हम डेविएशन के लिए सॉल्व करें, डेविएशन के लिए भी एक बार मुझे सॉल्व करना पड़ता है क्राउन के लिए, तो सॉल्व करेंगे फोर क्राउन ग्लास, जब क्राउन के लिए सॉल्व करेंगे, क्राउन के लिए सॉल्व करा, यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा कौन सा डेल, मुझे निकालना पड़ेगा फिर से वही कि एक बार सॉल्व करेंगे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके लिए रेड के लिए, जब रेड के लिए सॉल्व करेंगे तो उसका जो डेविएशन होगा वो कितना डेल आर होगा, और जो डेल आर होगा उसका फॉर्मूला म्यू आर माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे किसके लिए फ्लिंट के लिए सॉल्व करें,
तो अगर हम प्लेंट के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो वह कितना आएगा, डेल डैश आर आएगा। देख लीजिए ऐसा ही कोई टर्म बनेगा। कि अगर हम राइट के लिए सॉल्व करेंगे तो वह कितना आएगा, डेल आर माइनस वन इंटू ए आएगा, जबकि हमने अगर उसके लिए सॉल्व करा है तो डेल डैश आर इंटू ए डैश आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे डेविएशन के लिए तो पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा फोर क्राउन ग्लास के लिए, यहाँ निकालेंगे फोर क्राउन के लिए, फोर क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास के लिए हम निकालेंगे रिजल्टेंट डेविएशन निकालेंगे, और रिजल्टेंट डेविएशन मतलब होता है उसका मीन, और मीन मतलब होता है डेल वाई। जो डेल वाई सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा कितना, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे फोर प्लेंट के लिए, जो प्लेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो उसे बोलेंगे कितना, डेल डैश वाई, और डेल डैश वाई बनेगा वो कितना, म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू में ए डैश आ जाएगा। देख लीजिए इसी तरह का टर्म बनेगा कि जब हम डेल वाई सॉल्व कर रहे हैं, डेल वाई सॉल्व कर रहे हैं तो वो बनेगा कितना, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, लेकिन जब हम डेल डैश वाई सॉल्व करेंगे, डेल डैश वाई सॉल्व करेंगे तो उसे बोल देंगे हम म्यू डैश वाई और माइनस का वन इंटू ए डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालेंगे रिजल्टेंट, तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, जो रिजल्टेंट डेविएशन होता है, रिजल्टेंट डेविएशन होता है उसे अगर हम कैपिटल डी बोलते हैं या उसे हम बोलते हैं कितना, डी बोलें, तो जो डी होगा वो होगा कितना, डी वाई प्लस का डी डैश वाई हो जाएगा। अगर हम डी निकालेंगे या डेल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डेल वाई को और डेल डैश वाई दोनों को ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ डेल तो बिल्कुल सेम रहा, यहाँ डेल वाई, डेल वाई की जो वैल्यू है वो कितनी, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए आ रहा है, जबकि डेल डैश वाई जो होगा वो कितना, म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू में कितना, ए डैश आ रहा है। इसी तरह का टर्म बन रहा है कि भाई जो डेल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कितना, डेल वाई प्लस डेल डैश वाई, तो डेल को सेम रखा, डेल वाई मतलब कौन, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, और जो डेल डैश वाई है वो कितना, म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मुझे टर्म बन रहा है उसे मुझे जो भार लाना है, यहाँ पे मुझे ए अपॉन ए डैश दे रखा है, तो हमें काम कर रहे हैं इस डेल को सेम रखा, इस पूरी टर्म से ये म्यू वाई माइनस वन इंटू ए को यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। ये जो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए है इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जब यहाँ से इसे हम कॉमन निकालें तो यहाँ बचा कितना, वन, लेकिन प्लस यहाँ बचा म्यू डैश वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन, क्योंकि यहाँ आएगा कितना, ए डैश अपॉन ए हो जाएगा। देख लो ऐसा ही कोई टर्म बनेगा कि भाई अगर हम इन दोनों टर्म से इस म्यू वाई माइनस वन इंटू ए को बाहर कर ले, तो अगर दोनों टर्म से हमने म्यू वाई माइनस वन इंटू ए को बाहर करा, यहाँ बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचा प्लस, यहाँ म्यू डैश वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन, और यह आ जाएगा ए डैश अपॉन ए आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं इसके लिए हम थोड़ा सा इसे डायग्राम को रफ कर लें। तो चले साहब डायग्राम को हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो बना हमारा ए डैश अपॉन ए आ रहा है। अब अगर मैं इस टर्म की वैल्यू रखूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये डेल को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ डेल को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ चल रहा कितना, म्यू बाय फोर माइनस वन इंटू ए बनेगा, जबकि यहाँ वन को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ म्यू डैश वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि जो भार चल रहा है म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, इसे हमने बिल्कुल सेम रखा, और साथ में हमने अंदर का वन प्लस म्यू डैश वाई माइनस वन और म्यू वाई माइनस वन को सेम रखा। लेकिन भार देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा ए डैश अपॉन ए, वहां आ रहा है कितना वाला, ए डैश अपॉन ए, और हमने यहां से वैल्यू निकाली है ए अपॉन ए डैश की। भाई दोस्तों वहां पर देखिए, वहां पर आ रहा है हमारा ए डैश अपॉन ए आ रहा है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी, ए अपॉन ए डैश की है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें। अगर इस वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए डैश अपॉन ए की। तो इस वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो टर्म है वो चले आएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा कितना, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी, और माइनस है कितना, म्यू डैश आर, ऐसा ही कुछ होगा। साथ ही ये प्लस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस का सिंबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो टर्म जो था वो a अपॉन a डैश जो था वो नेगेटिव था, नेगेटिव था, हमने इसको a डैश अपॉन a में चेंज करा है, ये जो टर्म है वो चले जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमेटर में, लेकिन प्लस जो जाएगा वो कितना माइनस का हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इस डेल को बिल्कुल सेम रखा, इस म्यू वाई माइनस वन और इंटू ए को बिल्कुल सेम रख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करें जो डैश वाली वैल्यू है उसको साथ में लिख दें, जो बिना डैश वाली वैल्यू है उसको हम साथ में लिख लें। यहाँ पर देखिए यहाँ बचा कितना म्यू डैश वाई, या इसको हम पहले साथ में लिख लें, यहाँ बचेगा म्यू बी माइनस म्यू आर और अपॉन में कितना म्यू वाई और माइनस वन, जबकि इंटू यहाँ बचा कौन म्यू डैश वाई माइनस वन अपॉन म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश और यहाँ पे आर आ जाएगा। देख लीजिए इसी तरह का टर्म बनेगा कि भाई हमने पहले क्या करा है कि बिना डैश वाली वैल्यू को एक साथ लिख लिया है और फिर हमने क्या करा है ओमेगा या जो डैश वाली वैल्यू है उसको साथ में लिख लिया है। अब दोस्तों हमें पता है एक होता है डिस्पर्सिव पावर, जो डिस्पर्सिव पावर होता है हम मान लेते हैं कि जो क्राउन ग्लास है उसके लिए वो कितना ओमेगा है, जबकि जो फ्लिंट ग्लास है उसके लिए डिस्पर्सिव पावर कितनी ओमेगा डैश है। तो हमें इसे भी तो प्रूव करना है ना, मुझे देखिए ना मुझे जो लेकर आना है टर्म लेकर आना है वो किसका ओमेगा और ओमेगा डैश के टर्म में आ रहा है, तो हमने मान लिया कि जो ओमेगा और ओमेगा डैश है वो तो डिस्पर्सिव पावर है, जो क्राउन ग्लास है उसके लिए जो डिस्पर्सिव पावर है वो कितनी ओमेगा मान ली, और जो फ्लिंट ग्लास है उसके लिए जो डिस्पर्सिव पावर है उसे हमने ओमेगा डैश मान लिया। तो हमें पता है कि जो ओमेगा होता है उसका फॉर्मूला बनेगा वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन बनता है। हमने अभी इसे डिराइव करा था कि जो ओमेगा होता है जो डिस्पर्सिव पावर होता है उसका फॉर्मूला बनता है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। वैसे ही ये तो हमने सॉल्व कर लिया है किसके लिए फॉर क्राउन के लिए, अगर हम फ्लिंट के लिए सॉल्व करें तो वो कितना ओमेगा डैश आएगा, और ओमेगा डैश आएगा मतलब म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई और साथ में माइनस का वन हो जाएगा, ऐसे ही कोई टर्म बनेगा, यहाँ म्यू डैश वाई माइनस वन आएगा। भाई देखिए ना कि अगर हम फ्लिंट के लिए बात करेंगे या क्राउन के लिए बात करेंगे तो क्राउन में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन और ये बनता है ओमेगा, लेकिन अगर फ्लिंट के लिए बात करेंगे तो इसमें आता है डैश, ये आता है ओमेगा डैश इक्वल्स टू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई, वो माइनस का वन बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर ये वैल्यू ये पूरी वैल्यू ये देखिए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, इसे हम बोल सकते हैं कितना ओमेगा बोल सकते हैं ऐसा। साथ ही ये देखिए म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ये म्यू वाई माइनस वन इंटू ए म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ये कितना डेल वाई बनेगा, इस पूरी वैल्यू को हमने बोला कितना डेल वाई, जबकि वन माइनस इस वैल्यू को बोल सकते हैं हम कितना ओमेगा, क्योंकि देखिए डेल वाई माइनस वन इंटू ए जो है वो तो हमारा ओमेगा है, साथ ही म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन जो है वो हमारा ओमेगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए म्यू डैश वाई माइनस वन अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर है, यहाँ पर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस वन है, जबकि यहाँ इसका उल्टा है, उल्टा है मतलब इसका मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी वो वन अपॉन ओमेगा डैश आ जाएगी, जब वन अपॉन ओमेगा डैश आएगी यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए डेल तो सेम रहेगा डेल वाई सेम रहेगा वन सेम रहेगा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश आ जाएगा, देख लीजिए यही आएगा। दोस्तों ये हमारा एक डेरिवेशन था जिसे हमने करा था डेरिवेशन विदाउट डिस्पर्सन का, थोड़ा सा अजीब है थोड़ा सा लेंदी है पर है बड़ा आसान, आपको